फ्रेंड, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सक्सेस रामगढ़ में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक जॉब की अपडेट बताने वाला हूं जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से यह नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो आज हम इस वीडियो में इसकी सारी जानकारी देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो लोग नए होंगे मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट जॉब की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मांगा गया इस फॉर्म को भरने में और कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और किस डिपार्टमेंट में कितनी सारी वैकेंसी है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, ये जो जॉब की वैकेंसी निकाली गई है भिलाई स्टील प्लांट की तरफ से यह नोटिफिकेशन निकाला गया है और किस किस पोस्ट के लिए निकाली गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला पोस्ट है जो आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में जो है आपका किस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर है, तो डिप्लोमा, जो लोग यहाँ पर डिप्लोमा किए होंगे किस ब्रांच से, तो इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल या फिर मेटलर्जी या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से जो लोग यहाँ पे डिप्लोमा किए होंगे उसके लिए जो है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 123 यहाँ पे बताई गई है। ओके, और जिस कैटेगरी से आप आते होंगे यहाँ पे उस कैटेगरी को आप देख के इस पोस्ट को आप अप्लाई कीजिएगा। ओके, और नेक्स्ट पोस्ट है आपका अटेंडेंट कम टेक्नीशियन। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में जो लोग ITI किए होंगे किस ट्रेड से, तो फिटर ट्रेड, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, ड्रिल ऑपरेटर, हाथमैन एंड बॉयलर ऑपरेटर ट्रेड से जो लोग ITI किए होंगे वो लोग जो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 53 यहाँ पे बताई गई है। ओके, और नेक्स्ट पोस्ट है आपका माइनिंग फॉरमैन। माइनिंग फॉरमैन में जो है आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 14 बताई गई है। ओके, और माइनिंग मेट में कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे माइनिंग मेट में 30 यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, और नेक्स्ट पोस्ट आपका सर्वेयर। और सर्वेयर में कितनी पोस्ट है, तो 4 पोस्ट यहाँ पे सर्वेयर के लिए बताई गई है। और नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर स्टाफ नर्स। जूनियर स्टाफ नर्स में जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 21 बताई गई है। ओके, और नेक्स्ट पोस्ट है फार्मेकिस्ट। फार्मेकिस्ट में जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 7 जो फार्मेकिस्ट के लिए यहाँ पर बताई गई है। और नेक्स्ट पोस्ट है आपका सब फायर स्टेशन ऑफिसर। सब फायर स्टेशन ऑफिसर में जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 8 बताई गई है। ओके, और नेक्स्ट पोस्ट है आपका फायर कम फायर इंजन ड्राइवर। फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर, इसमें जो है आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 36 यहाँ पे बताई गई है। ओके, और यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा कि जिस कैटेगरी में आप आते होंगे उसी के हिसाब से आप देख के इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिएगा। ओके, और यहाँ पे स्केल की बात करूँ तो स्केल कितने सारे किस पोस्ट के लिए यहाँ पे दी जाएगी, तो चलिए मैं आपको बता दूँ, जो स्टूडेंट यहाँ पे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, जूनियर स्टाफ नर्स, फार्मेकिस्ट, माइनिंग फॉरमैन, सब फायर स्टेशन ऑफिसर या फिर सर्वेयर, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसको जो है स्केल के रूप में आपको 16,800 रुपये से लेकर 24,110 रुपये यहाँ पे स्केल के रूप में दिए जाएगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट जो है आपका अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, माइनिंग में, फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर के लिए आप इस पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो उसको जो है स्केल के रूप में 15,830 रुपये से लेकर 22,150 रुपये यहाँ पे स्केल के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, और एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट जो है टोटल वैकेंसी यानी टोटल पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है मिनिमम 18 ईयर्स मांगी गई है और मैक्सिमम जो है 28 ईयर्स यहाँ पे टोटल पोस्ट के लिए यहाँ पे मांगी गई है। ठीक है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपका OCT, यहाँ पे OCT ट्रेनिंग में जो लोग आप अप्लाई करते हैं इस पोस्ट के लिए जो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है मेट्रिकुलेशन और साथ में 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पे मांगी गई है। ठीक है, और जो कैंडिडेट ACT पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं फॉर बॉयलर एंड ऑपरेटर के लिए, ACT बॉयलर एंड ऑपरेटर पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें जो आपका मेट्रिकुलेशन और साथ में 2 साल का ITI इस पोस्ट के लिए यहाँ पर मांगी गई है। ठीक है, और जो कैंडिडेट यहाँ पे ACT ट्रेनिंग के लिए आप अप्लाई करते हैं तो इसमें जो है आपका मेट्रिकुलेशन साथ में आपका ITI मांगा गया है। ठीक है, जो लोग यहाँ पे फिटर, वेल्डर एंड इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आप ITI के होंगे तो आप ऐसी ट्रेनिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे माइनिंग फॉरमैन की बात करूँ तो माइनिंग फॉरमैन में जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे मेट्रिकुलेशन मांगा गया है, साथ में आपका 3 साल का डिप्लोमा माइनिंग का सर्टिफिकेट मांगा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर माइनिंग मैन। माइनिंग मैन में जो है आपका माइनिंग मैन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 10 पास मांगा गया है, साथ में आपका माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट मांगा गया है। ओके, और नेक्स्ट पोस्ट की बात करूँ तो नेक्स्ट पोस्ट है आपका सर्वेयर। सर्वेयर में जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है मेट्रिकुलेशन और साथ में जो है 3 साल का डिप्लोमा माइनिंग से किए होंगे तभी आप सर्वेयर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके,
और नेक्स्ट पोस्ट है आपका सब फायर स्टेशन ऑफिसर, इसमें जो है आपका ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया है राइट। एंड नेक्स्ट पोस्ट है आपका फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर, इसमें जो आपका मेट्रिकुलेशन साथ में आपका एक साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस मांगा गया है ओके। और नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर स्टाफ नर्स में जो है बीएससी नर्सिंग यहाँ पे मांगा गया है ओके। और फार्मेकिस्ट में जो है आपका डिग्री यहाँ पे मांगी गई है, डिग्री इन फार्मेसी में होगा तभी जो आप फार्मेकिस्ट के लिए पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ओके। और नीचे यहाँ पे बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो मेडिकल स्टैंडर्ड जो है किस पोस्ट के लिए यहाँ पे कितना मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है तो मैं आपको बता दूँ, जो स्टूडेंट यहाँ पे OCT पोस्ट, ACT या फिर सर्वेयर, माइनिंग फॉरमैन या फिर माइनिंग मेट के लिए जो पोस्ट के लिए आप जो कैंडिडेट इसके लिए जो आप अप्लाई करते हैं इसके लिए, तो जो है हाइट यहाँ पे जो है मेल के लिए 155 सेंटीमीटर यहाँ पे मेल के लिए हाइट मांगी गई है, और फीमेल के लिए जो है 143 सेंटीमीटर यहाँ पे फीमेल के लिए हाइट मांगी गई है ठीक है। और वेट की बात करूँ तो वेट जो है आपका 45 kg मेल के लिए मांगी गई है और 35 kg फीमेल के लिए मांगी गई है ठीक है। और चेस्ट मेजरमेंट की बात करूँ तो चेस्ट मेजरमेंट जो है मेल के लिए 75 सेंटीमीटर से एबव मांगी गई है और फीमेल के लिए जो है 70 सेंटीमीटर से एबव मांगी गई है ठीक है। और साथ में जो है आपका डिस्टेंस विजन भी पूछा जाएगा, नियर विजन, ये सब कलर विजन भी पूछा जाएगा ओके। और बात करें यहाँ पे जूनियर स्टाफ नर्स एंड फार्मेकिस्ट के लिए, तो इसमें जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो है आपका, इसमें हाइट जो है आपका मेल के लिए 150 सेंटीमीटर मांगी गई है और फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर मांगी गई है ठीक है। और वेट जो है 40 kg यहाँ पे मांगी गई है और फीमेल के लिए जो है 35 kg यहाँ पे वेट मांगी गई है। और चेस्ट मेजरमेंट की बात करूँ तो चेस्ट मेजरमेंट में जो है मेल के लिए 75 से अबव होना चाहिए और फीमेल के लिए जो है 70 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगा गया है। और किस पोस्ट के लिए, तो जूनियर स्टाफ नर्स एंड फार्मेकिस्ट के लिए ठीक है, आप याद रखिएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट जो है सब फायर स्टेशन ऑफिसर एंड फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर के लिए, यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड जो है आपका हाइट जो है 165 सेंटीमीटर मांगा गया है और वेट जो है 50 kg और चेस्ट मेजरमेंट जो है आपका 86.5 यहाँ पे। जो लोग यहाँ पे सब फायर स्टेशन ऑफिसर में अप्लाई कीजिएगा उसके लिए यहाँ पे ये फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका ऑनलाइन टेस्ट से होगा, ऑनलाइन टेस्ट देना होगा जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा ओके। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी कितनी मांगी गई है किस पोस्ट के लिए, तो जो लोग यहाँ पे ऑपरेटर कम ट्रेनी, जूनियर स्टाफ नर्स, फार्मेकिस्ट, सब फायर स्टेशन ऑफिसर, माइनिंग फॉरमैन या फिर सर्वेयर, इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसको जो है एप्लीकेशन फ़ी के रूप में 250 रुपये यहाँ पर ली जाएगी ठीक है। और जो लोग जहाँ यहाँ पे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर और माइनिंग मैन, इसके लिए इस पोस्ट के लिए आप अगर अप्लाई करते हैं तो इसके लिए जो आपको 150 रुपये यहाँ पर ली जाएगी। तो किसके लिए, तो जनरल OBC एंड EWS के लिए यहाँ पर इतने सारे रुपये आपको अप्लीकेशन फ़ी के रूप में ली जाएगी ठीक है। और SC ST की बात करूँ तो जो लोग SC ST या फिर PWD कैंडिडेट आते होंगे तो उसके लिए यहाँ पे कोई भी फ़ी नहीं लिया जाएगा ओके। तो इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई, तो हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे कैसे करना है, तो यहाँ पे www.cell.co.in में आपको जाके यहाँ पे इसको लॉगिन करना है ठीक है। www.cell.co.in में जाके आपको इसको अप्लाई करना है ठीक है। और नीचे यहाँ पे आपको बता दूँ इसको, इस फॉर्म को जो है आप कब से इसको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे इसका स्टार्टिंग डेट जो है आपका ऑनलाइन करने का 26/10/2019 बताई गई है, और जो क्लोजिंग डेट यहाँ पे इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने का जो है 15/11/2019 यहाँ पे क्लोजिंग डेट बताई गई है ठीक है। और जो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट की डिटेल की बात करूँ तो जो पेमेंट करने की लास्ट डेट यहाँ पे 16/11/2019 यहाँ पे बताई गई है ठीक है। और डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट की यहाँ पर अभी कुछ भी यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा ठीक है कि किस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे सेल की वेबसाइट में आपको जाके आपको चेक कर लीजिएगा ओके। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ओके। थैंक यू।